नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं हूँ साबिता ठाकुर और एक बार फिर से आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ आपसे जुड़ी उन तमाम सूचनाओं, हलचलों और देश विदेश की खबरों के साथ जो आपके हित से जुड़ी हुई होगी। चाहे बात हो किसान की, पर्यावरण की हो या फिर आपके शहर की हो, हम हर मुद्दे पर करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए बात। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि देश डायरी में आज क्या है खास। नोटबंदी की मार सह रहे किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने नवंबर दिसंबर 2016 के दौरान 660.50 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करने का फैसला किया है। घोषणा में सरकार ने यह साफ किया है कि जिन किसानों ने इन दो महीनों के लिए ब्याज जमा कराया था, उनके पैसे वापस किए जाएंगे। ये राशि उन्हें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि DBT के जरिए उनके खातों में भेजी जाएगी। सरकार ने इसके साथ ही सहकारी बैंकों की पुनर्वित्त लागत का बोझ उठाने के लिए नाबार्ड को 400 करोड़ रुपए का अनुदान देने का भी फैसला किया है। यही नहीं, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवास को प्रोत्साहन देने के लिए एक नई योजना की मंजूरी भी दी है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में घर के लिए कर्ज लेने पर ब्याज में 3% की छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। देश में 2019 तक 46 फूड पार्क खोले जाएंगे। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित किए गए राजस्थान फूड प्रोसेस टेक 2017 के उद्घाटन समारोह में ये बात कही गई है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक बैठक आयोजित की। इस समारोह में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में राजस्थान में भरपूर संभावनाएं हैं और उसका फायदा राज्य को मिलना चाहिए। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मौजूदा कार्यकाल में 6 फूड पार्क चालू कर दिए गए हैं और 6 के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है। राजस्थान ने खेती में जो नए नए प्रयोग किए हैं, उनसे देश में उसकी अच्छी छवि उभर कर आई है। राज्य में उद्योग धंधों को खोलने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। इनका ध्यान दिलाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा और छोटी इकाइयां स्थापित करने पर सरकारी सहायता देने पर भी विचार किया जाएगा। पिछले साल मॉनसून काफी अच्छा रहा तो उसके परिणाम भी अच्छी खेती के रूप में दिखने लगे हैं। कई राज्यों में गेहूं की बंपर फसल हुई है। सरकारी खरीद में पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा गेहूं देने वाले राज्य मध्य प्रदेश में भी इस साल गेहूं की बंपर फसल होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिस वजह से राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद भी रिकॉर्ड स्तर तक पहुँचने का अनुमान है। बड़ी पैदावार को देखते हुए इस साल मध्य प्रदेश में सरकारी खरीद का लक्ष्य भी बढ़ा दिया गया है। नागरिक आपूर्ति विभाग के मुताबिक इस साल राज्य में गेहूं का उत्पादन 210 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो अब तक का सबसे अधिक उत्पादन होगा। इस साल राज्य में करीब 63 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती हुई है। पिछले साल राज्य में करीब 59 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल लगाई गई थी और करीब करीब 185 लाख टन का उत्पादन हुआ था। इस साल ज्यादा उत्पादन की वजह से राज्य में सरकारी स्टॉक के लिए ज्यादा गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि इस साल 90 लाख टन की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। अगर बात करें पिछले साल की, तो इस दौरान सिर्फ 40 लाख टन की खरीद ही हुई थी। लाल मिर्च की कीमतों में लगभग 30% की गिरावट देखी जा रही है। देखा जाए तो लाल मिर्च भारत से सबसे अधिक निर्यात होने वाला मसाला है। इसकी औसत वैरायटी की कीमत 80 रुपए प्रति किलोग्राम और तेजा जैसे प्रीमियम वैरायटी की 110 रुपए प्रति किलोग्राम है। निर्यातक खरीदारी बढ़ाने के लिए कीमतों के और नीचे आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर बात करें इसकी कटाई की, तो अभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में ही मिर्च की कटाई शुरू हुई है। देखा जाए तो देश में मिर्च के उत्पादन में इन राज्यों की बड़ी हिस्सेदारी है। इन तीन राज्यों में कुल उत्पादन लगभग 30% से बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि रकबे में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। किसान आने वाले दिनों में कीमतें मौजूदा स्तर से 10 से 15% गिरने की उम्मीद जता रहे हैं।
मिर्च के उत्पादन की लागत अभी लगभग 70 रुपए प्रति किलोग्राम है। सितंबर 2016 में समाप्त हुए 6 महीनों में मिर्च का एक्सपोर्ट 1,65,000 टन रहा है। इसकी वैल्यू 2,308 करोड़ रुपए की थी। हालांकि मिर्च के एक्सपोर्ट की मात्रा गिरी है, लेकिन इसकी वैल्यू में एक साल पहले की अवधि के मुकाबले 23% की बढ़ोतरी हुई है। देश के अहम दलहन उत्पादक राज्य में इस साल खरीफ दलहन की पैदावार में तो अच्छी बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन इसी के साथ रबी सीजन के दौरान बरसात की कमी की वजह से रबी दलहन के उत्पादन में भारी गिरावट आने की आशंका भी जताई जा रही है। कर्नाटक कृषि विभाग के अनुमान के मुताबिक राज्य में चने की पैदावार में करीब 29% की भारी गिरावट आने की आशंका जताई जा रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कर्नाटक में इस साल यानी कि 2016-17 के दौरान चने का उत्पादन घटकर सिर्फ 3.90 लाख टन होने का अनुमान है। अगर बात करें 2015-16 की, तो इस दौरान पिछले साल 5.52 लाख टन चने का उत्पादन हुआ था। हालांकि इस दौरान राज्य में खरीफ सीजन के दौरान अच्छी बरसात हुई थी, जिस वजह से खरीफ दलहन की बुआई में इजाफा दर्ज किया गया था। अगर बात करें तुअर की, तो ये खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाला दलहन है। राज्य में इसका 7.32 लाख टन पैदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि पिछले साल 2.42 लाख टन ही सिर्फ तुअर का उत्पादन हुआ था। यानी कि इस साल तुअर की पैदावार में करीब 3 गुना की बढ़ोतरी अनुमानित है। रबी सीजन में चने के बाद सबसे बड़ा पैदा होने वाला दलहन मसूर की पैदावार में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। देश के सबसे बड़े मसूर उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में इस साल मसूर की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की ओर से जारी 2016-17 की रबी फसलों के लिए अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल राज्य में मसूर की पैदावार में करीब 146% का इजाफा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक इस साल उत्तर प्रदेश में 5.81 लाख टन मसूर पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल राज्य में सिर्फ 2.36 लाख टन मसूर का उत्पादन हुआ था। इस साल देश में मसूर की रिकॉर्ड खेती हुई है, साथ में मौसम भी मसूर की खेती के अनुकूल बना हुआ है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में मसूर उत्पादन अधिक होने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय चीनी मिल संघ यानी कि ISMA ने चीनी पर उत्पादन अनुमान घटा दिया है। अपने अनुमान में इस्मा ने कहा है कि इस साल देश में 213 लाख टन चीनी उत्पादन हो सकता है, जो कि पिछले 7 सालों में सबसे कम है। इससे पहले इस संघ ने 225 लाख टन उत्पादन का अनुमान लगाया था, पर महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे सूखा प्रभावित राज्यों में गन्ना उत्पादन में कमी के कारण इस्मा ने उत्पादन को घटा दिया है। इस संघ के मुताबिक घरेलू बाजारों में चीनी की उपलब्धता पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हालांकि 2018 के लिए चीनी मिल संघ ने कहा है कि अगले साल चीनी का अतिरिक्त उत्पादन हो सकता है। इसके साथ ही साल 2017 में चीनी बिक्री भी घटने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे राजस्थान के बाद कहां सरसों की फसल बेहतर होने का अनुमान लगाया जा रहा है, और साथ ही बात करेंगे छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बनाए गए शक्कर कारखाने के बारे में। राजस्थान के बाद देश के दूसरे बड़े सरसों उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में इस साल सरसों की बम्पर फसल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की ओर से रबी फसलों के लिए जारी किए गए शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस साल राज्य में सरसों की पैदावार में पिछले साल के मुकाबले करीब 64% का इजाफा होने का अनुमान है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल उत्तर प्रदेश में 9.86 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है। ब्रेक के बाद आप सभी किसान दोस्तों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं देश डायरी। नेपाल में सब्जियों की व्यावसायिक खेती काफी बढ़ी है, लेकिन फिर भी खपत के हिसाब से उत्पादन कम है, जिसके चलते काफी अधिक मात्रा में नेपाल भारत से सब्जियां आयात करता है। ये देश के उन किसानों के लिए जो सब्जी उत्पादन में लगे हुए हैं, और उन लोगों के लिए भी जो इसके निर्यात कारोबार में लगे हुए हैं, उन सभी के लिए जानकारी बढ़िया होगी।
एक नज़र नेपाल के प्रमुख सब्जी उत्पादक क्षेत्रों में डालें तो यहाँ के प्रमुख सब्जी उत्पादक क्षेत्रों में बेलौरी, किशनपुर, झलारी और महेंद्रनगर शामिल है। हालांकि उत्पादन से शायद ही स्थानीय मांग पूरी होती है। देखा जाए तो हर साल भारत से करीब 25,000 टन सब्जियों का आयात किया जाता है। सब्जी उत्पादक इसका लाभ उठा सकते हैं। भारत का कर्नाटक राज्य कपास उत्पादन के मामले में दूसरे राज्यों के मुकाबले आगे रहता है, लेकिन इस साल राज्य में कपास का उत्पादन लगभग 12% तक घट सकता है। दरअसल पिछले साल यानी कि 2015-16 के दौरान राज्य में मौसम की मार से कपास की फसल पर असर पड़ा था, जिस वजह से इस साल यानी कि 2016-17 के दौरान राज्य के किसानों ने कपास की खेती घटाई, जिससे उत्पादन घटने की आशंका बढ़ गई है। कर्नाटक कृषि विभाग की ओर से जारी 2016-17 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल राज्य में 10.16 लाख गांठ कपास पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल राज्य में 11.52 लाख गांठ कपास का उत्पादन हुआ था। देश के बड़े धनिया उत्पादकों में से एक गुजरात में तो इस साल धनिया की रिकॉर्ड बुआई हुई है, लेकिन सबसे बड़े उत्पादक राज्य राजस्थान में इस साल 1.48 लाख हेक्टेयर में धनिया की बुआई हुई है, जो पिछले साल के मुताबिक काफी कम है और बुआई का सीजन भी लगभग खत्म हो गया है। ऐसे में आगे धनिया का रकबा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। अगर बात करें पिछले साल की तो राजस्थान में पूरे सीजन के दौरान करीब 2 लाख हेक्टेयर में धनिया की बुआई हुई थी। गुजरात की बात करें तो अब तक करीब 1.22 लाख हेक्टेयर में धनिया की बुआई हुई है। पहाड़ों से निकली उर्वरक मिट्टी मैदानी इलाकों को मालामाल कर रही है, लेकिन पहाड़ के किसान खेतों में पड़ी मजबूत उर्वरक मिट्टी की क्षमता को नहीं पहचान पा रहे हैं। किसानों के लिए ये मिट्टी सोना बने, इसके लिए भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के वैज्ञानिक उत्तराखंड के किसानों को जागरूक कर रहे हैं। केंद्र सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत किसानों को कार्ड जारी किया गया है। प्रदेश में अभी तक संस्थान की ओर से 350 से अधिक किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी कर दिया गया है। सॉइल हेल्थ कार्ड में प्रत्येक किसान का कृषि संबंधी बायोडेटा शामिल किया गया है। इसके जरिए किसानों को समय समय पर संबंधित फसल की उत्तम पैदावार के बारे में घर घर जाकर बताया जा रहा है। संस्थान 350 से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड जारी कर चुका है। राजस्थान के बाद देश के दूसरे बड़े सरसों उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में इस साल सरसों की बम्पर फसल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की ओर से रबी फसलों के लिए जारी किए गए शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस साल राज्य में सरसों की पैदावार में पिछले साल के मुकाबले करीब 64% का इजाफा होने का अनुमान है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल उत्तर प्रदेश में 9.86 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल राज्य में सिर्फ 6.02 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ था। इस साल उत्तर प्रदेश में सरसों का रकबा बढ़ने के साथ मौसम भी फसल के अनुकूल है, जिस वजह से राज्य में सरसों उत्पादन ज्यादा रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल उत्तर प्रदेश में करीब 7.81 लाख हेक्टेयर में सरसों की खेती हुई है, जबकि पिछले साल राज्य में सिर्फ 5.93 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुआई हुई थी। झारखंड के बहुत बड़े इलाके के किसानों को पानी के संकट से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। केंद्र सरकार ने जल संसाधन विभाग के तहत वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजना के तहत रांची समेत राज्य के 31 स्थानों पर नए जलाशयों के निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी है और इसके लिए करीब 6,824 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें केंद्र और राज्य दोनों ने योगदान दिया है। इससे न केवल कृषि योग्य भूमि सिंचित होगी बल्कि लोगों के बीच पीने के पानी की कमी भी काफी हद तक दूर हो जा सकती है। विभागीय मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने बताया कि पेयजल संकट और खेतों में सिंचाई सुविधा को लेकर सरकार गंभीर है और सरकार की मंशा के अनुरूप दीर्घकालीन योजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, ताकि लोगों के बीच जहां पेयजल की उपलब्धता बनी रहे वहीं कृषि योग्य भूमि में सिंचाई क्षमता का भी सृजन हो सके।
छत्तीसगढ़ में किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्य में एक और नए शक्कर कारखानों का शुभारंभ किया है, जिसमें किसान बिना किसी परेशानी के आसानी से अपनी फसल बेच सकते हैं। ये कारखाना 13,000 किसानों के सहकारी प्रयासों से तैयार हुआ है। इससे पहले भी राज्य में 3 शक्कर कारखानों का शुभारंभ हो चुका है। इस राज्य में ये चौथा शक्कर कारखाना बनाया गया है और ये राज्य के कबीरधाम जिले के विशेषरा गांव में शुरू किया गया है। इसका शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किया है। इस अवसर पर इन्होंने कहा कि लगभग 160 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस कारखाने का लाभ कबीरधाम सहित उसके पड़ोसी मुंगेली और बेमेतरा जिले के लगभग 35,000 किसानों को भी मिलेगा और यहां के किसान भी अपने गन्ने की फसल बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। इसके अलावा कारखाने में शक्कर के साथ बिजली भी बनाई जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि देश के 91 प्रमुख जलाशयों के जल स्तर में कितने प्रतिशत की कमी आई है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि जनधन खाता धारकों को केंद्र सरकार क्या तोहफा देने जा रही है। आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश जारी। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं देश जारी। तंबाकू का उत्पादन करने वाले किसानों का संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन यानी कि FAIFA ने सरकार से मांग की है कि तंबाकू के दाम में स्थिरता बनाए रखने के लिहाज से बजट में तंबाकू से बने उत्पादों पर उत्पाद शुल्क नहीं बढ़ाना चाहिए। इस गैर सरकारी संगठन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात के किसान जुड़े हुए हैं। इन्होंने वित्त मंत्री से अपील की है कि वैध कारोबार कर रहे सिगरेट उद्योग पर करों का अधिक बोझ नहीं लादा जाना चाहिए। हालांकि भारतीय तंबाकू निर्यात भी कमजोर पड़ा है, इससे किसानों की आमदनी में 22% की गिरावट आई है। एसोसिएशन ने कहा है कि तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में ज्यादा वृद्धि की वजह से किसानों की आय में गिरावट आई है। आगामी बजट में यदि इसमें वृद्धि की जाती है तो पहले से ही करों के बोझ के तले दबे तंबाकू उद्योग के लिए काफी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं और तंबाकू कारोबार संगठित क्षेत्र से हटकर असंगठित क्षेत्र तक पहुंच सकता है। वाटरशेड परियोजना को केंद्र सरकार ने मनरेगा में मर्ज कर दिया है। जल से संबंधित सभी कार्य अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत होंगे। वाटरशेड के पुराने कामों को भी मर्ज कर अब मनरेगा के तहत किया जाएगा। राजीव गांधी जल संग्रहण मिशन वाटरशेड परियोजना के तहत नहर, स्टॉप डैम और तालाब निर्माण सहित बारिश के पानी को रोकने वाले सभी काम अब मनरेगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार अब राजीव गांधी जल संग्रहण मिशन यानी कि वाटर परियोजना को मनरेगा में मर्ज करने जा रही है। इसके साथ ही नए वित्तीय साल शुरू होने वाले हैं और वाटर शेड के सभी पुराने कामों को मनरेगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कराया जाएगा। इसमें खास बात ये होगी कि अब किसान अपने मन मुताबिक जगह का चयन नहीं कर पाएंगे। दोनों परियोजनाओं के अधिकारी मिलकर स्थल चयन करेंगे। मनरेगा और वाटरशेड परियोजना के तहत होने वाले करीब 65% काम अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कराए जाएंगे। अब जानकारी मिलेगी आपको खेती से कुछ हटकर। वित्तीय साल 2017 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान है और ये सबसे तेजी से बढ़ रही विकासशील अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है। भारत दुनिया की उन गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो मजबूत निजी मांग और सरकार के सुधारों के आधार पर 7.7% की रफ्तार से बढ़ सकती है। लेकिन अगर इसमें नोटबंदी के प्रभाव को शामिल ना किया जाए तो ऐसा संभव है। ये दावा संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और प्रगति यानी कि WESP के मुताबिक इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था साल 2018 में 7.7% की दर से विकास कर सकती है। केंद्र सरकार ने गुजरात के तंगलिया बुनकरों की सहायता के लिए एक योजना बनाई है, जिसमें तंगहाल बुनकरों को
करघे खरीदने में केंद्र सरकार मदद करेगी। इस योजना में करघों की कुल कीमत की लगभग 90% राशि सहायता के रूप में सरकार देगी। हाल ही में गुजरात में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने गुजरात के तंगलिए बुनकरों के लिए बातचीत करते हुए ये घोषणा की है। इसके साथ ही बुनकरों का एक विशेष संघ बनाने की भी घोषणा की है, जो इसके हित के लिए काम करेगा। तंगलिया कढ़ाई की प्रशंसा करते हुए केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बुनकरों का माल बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाए जाने की जरूरत है। इन्होंने फैशन डिजाइनर से अपील की है कि वो अपनी डिजाइन में तंगलिया कला इस्तेमाल करें। देश के 91 प्रमुख जलाशयों के स्तर में 2% की कमी आई है। जी हां, 19 जनवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान देश के 91 प्रमुख जलाशयों में 82.915 BCM अरब घन मीटर जल का संग्रहण आंका गया है। ये इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 53% ही है, लेकिन इससे पिछले साल की तुलना में सुधार है। इन 91 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 157.799 BCM है, जो समग्र रूप से देश की अनुमानित कुल जल संग्रहण क्षमता 253.388 BCM का लगभग 62% है। इन 91 जलाशयों में से 37 जलाशय ऐसे हैं जो 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ पनबिजली संबंधी लाभ दे सकते हैं। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण बेहतर है, उनमें पंजाब, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं कर्नाटक शामिल हैं। इसी अवधि के लिए पिछले साल की तुलना में कम भंडारण होने वाले राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। तो दोस्तों, हमारे आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे कुछ और नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Oh.